एक सेकंड होल्ड करो। अपने लास्ट दिन बात किए थे अनन्या की, 1/4/2019 को एक मशीन परचेज की है 5 लाख का, फिर 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज की है 2 लाख का, उसके बाद 1 जुलाई को एक मशीन का पार्ट जिसका 1 अप्रैल 2019 को खरीदे थे जिसका कॉस्टिंग 2 लाख है उसको 90,000 में बेच दिए सेम डे, एनादर ऐसे परचेज फॉर 1 लाख उसी दिन, शो डेप्रिसिएशन वर्किंग फॉर 19/20/21 अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर WDV। तो अपने ये वर्किंग जो बनाए थे वो वर्किंग अपने को क्या समझाया था कि अपने पहले 2 लाख और 3 लाख करके सेपरेट मशीन मांग लिए पहला मशीन को, उसके बाद जिस दिन जो हुआ 1 अप्रैल को 2 लाख 3 लाख दोनों सेपरेट मशीन परचेज लिख लिए, उसके बाद में अपने लिखे 1 अक्टूबर को एक और 2 लाख का मशीन परचेज हुआ, फिर 31 दिसंबर को तीनों एसेट का डिप्रिसिएशन हुआ, फिर 1 जनवरी का ओपनिंग फिगर आ गया 2020 में, फिर 31 दिसंबर 2020 को क्योंकि सेकंड ईयर में कोई घटना नहीं घटा ना परचेज ना सेल तो सेकंड ईयर में अपने फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, फिर 1 जनवरी 2021 को अपना तीनों क्लोजिंग फिगर आ गया, फिर 1 जुलाई को एक एसेट खरीदे 1 लाख में, तो देखो फोर्थ एसेट में लिख दिए, फिर 1 जुलाई को पहला एसेट बेच दिए तो 6 महीना यूज करके बेचे करंट ईयर में तीसरा ईयर में, तो 8325 का डिप्रिसिएशन आया मेरा, वैल्यू बचा 158175, उसको 90,000 में बेचे मेरे को लॉस हुआ 68175 का, और बाकी तीनों एसेट का मेरा नॉर्मल 31/12/2021 को डिप्रिसिएशन हो गया और 1 जनवरी 2022 को उनका ओपनिंग बैलेंस आ गया अगले ईयर के लिए। ठीक है, ये वर्किंग अपने किए थे। अब आते हैं बेटा इसके प्रेजेंटेशन पे। सबसे पहले देखो एसेट अकाउंट, आप एक बात बार बार सुन लो, प्रोविजन मेथड जब भी आएगा अनन्या, एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन का बुकिंग नहीं होगा, डिप्रिसिएशन का बुकिंग अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट में होगा, और जिस साल एसेट बिकेगा अनन्या उस साल हम एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे। पहला ये 3 बात नोट करो, एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल का डिप्रिसिएशन ऐड होता जाएगा, और जिस साल एसेट बिकेगा उस साल एक नया अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ये दो ही लाइन में पूरा क्रक्स है बेटा। पहला लाइन ये समझाया आपको कि क्या क्या अकाउंट खुलेगा, अब दूसरा लाइन का क्रक्स सुनना नन्या, जिस साल एसेट बिकेगा एसेट अकाउंट से उस एसेट का फुल कॉस्ट हटा दो। आई रिपीट माई सेल्फ, एसेट अकाउंट से जिस साल एसेट बिकेगा उस साल उस एसेट का पूरा कॉस्ट हटा दो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से भी जिस साल एसेट बिकेगा उस साल जो एसेट बिका है उसका फुल डिप्रिसिएशन बिगिनिंग से एंड तक पूरा हटा दो। तो एसेट अकाउंट से एसेट का कॉस्ट हटा दो फुल कॉस्ट, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से उस पर्टिकुलर एसेट का फुल डिप्रिसिएशन हटा दो, फुल मतलब बिगनिंग से एंड तक का, और हटा के कहां भेज दो बोलो? हाँ बोलो बोलो, करेक्ट बोल रहे हो, डिस्पोजल अकाउंट। एकदम एकदम। तो थर्ड ईयर या जिस ईयर में भी एसेट बिक रहा है उस ईयर में पूरा कॉस्ट कैंसिल करेंगे एसेट अकाउंट से, पूरा डिप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे प्रोविजन से, उठा के पूरा का पूरा भेज देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो एसेट अकाउंट बना के खत्म करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को हम क्या किए, एसेट खरीदे 5 लाख का, ठीक है 2 लाख 3 लाख ब्रेकअप है, लेकिन अल्टीमेटली था तो एक ही एसेट ना, हम उसको वर्किंग के लिए 2 एसेट बना दिया था ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, वरना मेरा था तो एक ही एसेट, तो हम लिखे 2 कैश और बैंक 5 लाख। उसी साल 1 अक्टूबर को एक और एसेट खरीदे 2 लाख का, तो 2 कैश एंड बैंक 2 लाख लिख दिए। 31 दिसंबर को क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी 5+2 7 लाख। अगले ईयर यानी 2020 में 1 जनवरी 2020 को हम एसेट में लिखेंगे 2 बैलेंस BD 7 लाख। सेकेंड ईयर में कोई घटना नहीं घटा ना परचेज ना सेल, तो 31 दिसंबर 2020 को हम बाई बैलेंस सीडी वही 7 लाख लिख दिया। थर्ड ईयर के बिगनिंग में आया अनन्या, थर्ड ईयर के बिगनिंग में 2 बैलेंस BD लिखा 7 लाख। उस साल अनन्या एक एसेट खरीदे ना 1 जुलाई को 1 लाख का, तो 1 जुलाई 2021 को 2 बैंक लिख दिए 1 लाख। अब देखो अनन्या, हम क्या बोला था वो क्रक्स लाइन, जिस साल एसेट बिके उस साल उस एसेट का पूरा कॉस्ट एसेट अकाउंट से हटा दो। तो देखो क्रेडिट साइड में क्या किया, बाई एसेट डिस्पोजल लिख के पूरा 2 लाख कैंसिल कर दी 1 जुलाई को, और 31 दिसंबर को बाकी जो बैलेंस बचा उसको बैलेंस सीडी लिख दी।
तो एसेट अकाउंट क्लियर है ना? यस सर। अब आओ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पे बेटा। देखो मेरा ओपनिंग पहला ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था अनन्या, हम वर्किंग भी साथ साथ में देखते जाते। पहला ईयर में अनन्या कितना डिप्रिसिएशन था? 15,000 है मशीन वन का, 22,500 मशीन टू का और 5,000 मशीन थ्री का। तो टोटल करके अगर हम लोग देखते हैं तो 15,000 प्लस 22,500 प्लस 5,000 का पहला साल डिप्रिसिएशन हुआ अनन्या। तो देखो हम यहाँ पे मशीन ऐसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या किए, क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रोविजन का लेजर हमेशा लाइबिलिटी का लेजर होता है। तो लाइबिलिटी का लेजर का किधर ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट साइड। एसेट एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है बेटा, लाइबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में सीखे थे ना, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करते थे, लाइबिलिटी और इनकम को क्रेडिट करते थे। Yes, वही लॉजिक याद रखो, कभी भी कहीं अटक जाओ ना नन्या, ये शॉर्टकट सीखो अब कि कोई लेजर बनाना है आपको तो आप अब सोचोगे कि हम बैलेंस किधर लिखे, ओपनिंग बैलेंस किधर आना चाहिए मेरा। तो अनन्या अगर सम में वो कंफ्यूजन आ जाए तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड होता है और लायबिलिटी और इनकम का क्रेडिट साइड। अब आपको केवल ये जज करना होगा अनन्या, वो आइटम मेरा एसेट अकाउंट है कि लायबिलिटी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है कि इनकम अकाउंट है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में प्रोविजन किधर लिखते हो अनन्या? क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड में, है ना? यस सर। प्रोविजन बैलेंस शीट में किधर लिखते हो? लायबिलिटी साइड में। यस सर। इसीलिए देखो हम क्या लिखे, बाय डेप्रिसिएशन 42,500। अब वही मेरा उस साल का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर क्लोज नहीं होता, वो कंटिन्यू करता है। तो देखो टू लायबिलिटी का लेजर कभी बंद नहीं होता ना, एसेट और लायबिलिटी का लेजर हमेशा कंटिन्यू करता है। तो देखो टू बैलेंस सीडी लिख के 42,500 लिख दिए। अगला ईयर क्या किया देखो उन्होंने, 1 जनवरी 2020 को बाय बैलेंस बीडी 42,500। फिर उस साल का डिप्रिसिएशन अनन्या, सेकंड ईयर में मेरा डिप्रिसिएशन कितना है? 18,500 प्लस 22,750 प्लस 19,500, यानी मेरा 60,750 का सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन अनन्या, 65,750 सॉरी, कुछ गलती की अपनी कैलकुलेशन में, 27,750 है ना वो, हाँ। तो 65,750 का सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन अनन्या, ठीक है? तो देखो फिर उसको क्या लिखे, बाय डिप्रिसिएशन। अब अनन्या पिछला साल का 42,500 प्लस इस साल का 65,750, तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? देखो 31 दिसंबर 2020 को टू बैलेंस सीडी 108,250, ठीक है? अब थर्ड ईयर का फिर वो बिगिनिंग बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 108,250 1 जनवरी 2021 को, ठीक है अनन्या? उस ईयर में अब कितना कितना डेप्रिसिएशन हुआ अनन्या, थर्ड ईयर में? एक तो जो एसेट बिका उसका डेप्रिसिएशन 8,325, और एक वो जो तीन एसेट बच गए ईयर एंड में 24,975, 17,550 और 5,000, उसका टोटल आएगा 24,975 प्लस 17,550 प्लस 5,000, 47,525, ठीक है ना? तो थर्ड ईयर में अनन्या दो एसेट का डिप्रिसिएशन है, एक जो बिक गया उसका 8,325 और जो बच गया उसका 47,525। हाँ या ना? तो वो दोनों भी हम क्या किए, क्रेडिट में लिख दिए। अब अनन्या हम क्या बोले थे, प्रोविजन अकाउंट में भी जो एसेट बिक गया उसका पूरा डिप्रिसिएशन कैंसिल करो। तो जो एसेट बिक गया अनन्या, फर्स्ट एसेट बिका है ना बेटा, फर्स्ट ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? पहला दिन पहला ईयर 15,000, दूसरा ईयर 18,500 और तीसरा ईयर 8,325 छह महीने के लिए। तो जो एसेट बिक गया अनन्या उसका डिप्रिसिएशन हुआ 41,825, है ना? 41,825। तो देखो हम क्या किया, ये देखो हम क्या किया, 41,825 क्या किया डेबिट साइड में,
कैंसिल कर दिए एसेट डिस्पोजल बोल के। तो क्रेडिट साइड में अनन्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में जो डेप्रिसिएशन होता गया उस पर्टिकुलर ईयर का वो लिखते गए ऐड करते हुए पिछला बैलेंस को, और जिस साल एसेट सेल आउट हो गया उस साल उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दिए बुक से। तो 41825 हम डेबिट साइड में कैंसिल किए। अब मेरा बाकी बैलेंस सीडी बच गया 1,22,275। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी अकाउंट पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। देखो अनन्या, हम एसेट अकाउंट में लिखा था ना बाई एसेट डिस्पोजल क्रेडिट साइड में 2,00,000, तो वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इधर में आ गया डेबिट साइड में 2,00,000। जो हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में 2 एसेट डिस्पोजल लिखा था 41825, वो आ गया मेरा डेबिट क्रेडिट साइड में 1 जुलाई को 41825। अनन्या एसेट को बेचे कितना में? 90,000 में। तो देखो वहां पे बाई बैंक 90,000 आ गया और उसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ मेरा, हम निकाले थे फिगर 68175। तो देखो लॉस भी हम यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट, प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिख देते, लॉस हुआ इसलिए क्रेडिट में लिख दिया 68175। अब मेरा अकाउंट अपने आप मैच हो गया, मेरा एसेट डिस्पोजल मैच हो जाना चाहिए। 2,00,000 का एसेट था अनन्या, 41825 डेप्रिसिएशन हो गया, 90,000 में बिक गया, बाकी लॉस हो गया, एसेट खत्म। इसीलिए तो बोले एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोज हो गया मेरा अनन्या। क्लियर है ये? हाँ सर। हल्का आवाज में आ रहा है, मतलब क्लियर है नहीं उतना। सर वो बनाएंगे तो फिर पता लगेगा। सोचने का तरीका डेवलप करो अनन्या। पहले हम क्या किया बेटा, हम एसेट अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, एसेट का खाली कॉस्ट लिखता गया, ठीक है, और जिस साल सेल हुआ उस एसेट का पूरा कॉस्ट। एसेट किधर होता है बेटा, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है वैसे? डेबिट। तो देखो एसेट जब जब आया हम डेबिट में लिखा, 5,00,000 एसेट आया डेबिट में लिखा, 2,00,000 का नया एसेट आया डेबिट में लिखा, लास्ट में थर्ड ईयर में 1,00,000 का एसेट आया डेबिट में लिखा। तो एसेट आता है अनन्या तब हम डेबिट में लिखते हैं, तो एसेट जाए तो किधर में लिखे? क्रेडिट। तो देखो वही तो किया अनन्या, 2,00,000 किधर लिखे लास्ट ईयर में, एसेट चला गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर हम क्या बोले थे बेटा, कौन सा लेजर होता है? लायबिलिटी का लेजर। लायबिलिटी जब जब बढ़ता है अनन्या किधर लिखते हो? बोलो सर। क्रेडिट साइड। हाँ तो देखो हर बार वही हुआ, तुम्हारा 42,500 का डेप्रिसिएशन हुआ, अगला साल 65,750 का हुआ, फिर थर्ड ईयर में 8,325, 47,525 का, सब क्रेडिट में लिखते गए ना। और उस एसेट को जिस दिन बेचे अनन्या हम क्या बोला, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल करो। एक मिनट वेट करो दिव्यम, यू आर टू लेट टू ज्वाइन। हम पूरा सम, सॉरी सर दिव्यम, हम पूरा सम खत्म कर दिया, ठीक है कोई नहीं। तो अनन्या हम क्या बोल रहा था, प्रोविजन फॉर डिप्रिस, अरे तो दिव्यम मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो अगर रस्ते में भी हो तो। ऑनलाइन क्लास बाइक चला के आते सर, फिर तो हम क्या बोलेंगे। तो देखो अनन्या हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मेरा लायबिलिटी का लेजर का बैलेंस हमेशा किधर रहेगा, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा हम क्रेडिट में लिखेंगे, हम सारा डिप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखते गए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है अनन्या। जैसे ही वो एसेट खत्म हुआ, अब वो प्रोविजन कोई काम आने वाला है क्या अनन्या? वो एसेट तो चला गया, तो उसका प्रोविजन कुछ भी काम नहीं आएगा, तो हम किधर में लिखेंगे? कैंसिल करना है हमको बुक से प्रोविजन को, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो खत्म करना है तो किधर लिखें? तो देखो उसका पूरा डेप्रिसिएशन में एसेट का बिगनिंग से लेके अब तक हम पूरा डेबिट में लिख के खत्म कर दिया, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ और फिर क्या किए, सबको किधर फेंक दिया उठा के? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो प्रोविजन का अकाउंट का डेबिट में आया तो एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट में चला गया, एसेट अकाउंट के डेबिट में 2,00,000 लिखे थे तो क्रेडिट में 2,00,000 लिखे थे तो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट में लिख दी, और अल्टीमेटली मेरा डिस्पोजल अकाउंट मैच हो जाना चाहिए प्रॉफिट या लॉस से।
ठीक है। हाँ तो अब एक अगला सम चालू करते हैं। गौतम एंड कंपनी बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000 को बुक्स क्लोज करता है। मशीनरी परचेज किया था 1.5 लाख का 1 जनवरी 2000 को। एक एडिशनली मशीन एक्वायर किया था 50,000 का 1 जुलाई 2000 को। सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 50,000 ऑन 1 जुलाई 2000। देखो सर्टेन मशीनरी मतलब एक पार्ट, 50,000 का एक पार्ट जो 1 जुलाई 2000 को खरीदा था। 1 जुलाई को एक्चुअली में कितना मशीन खरीदा था? 1.5 लाख का। उसका एक पार्ट जिसका कॉस्ट 50,000 है उसको कितना में बेच दिया? 30,000 में। कब? 30 जून 2002। अब आपको बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल द ईयर अप टू द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2002, टेकिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ठीक है, यहाँ पे SLM मेथड है। एंड ऑल्सो सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ऐसा सम्स एग्जाम में आना है। तो देखो यहाँ पे पहले एसेट अकाउंट बनाया, पहले 1 जनवरी को 2 बैंक लिखा 1.5 लाख, फिर 31 जुलाई उसी साल July 1st को एक और मशीन खरीदा है 50,000 का, तो वो भी लिख दिया। जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का सम बनाते हैं, एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं लिखते, तो देखो वही 2 लाख को बाई बैलेंस सीडी कर दिया 31 दिसंबर को। फिर अगला साल 2 बैलेंस बीडी हुआ 1 जनवरी 2001 को 2 लाख, सेकेंड ईयर में कोई घटना नहीं घटा तो उसी को बाई बैलेंस सीडी कर दिया 2 लाख। थर्ड ईयर में वही 2 बैलेंस बीडी हुआ 2 लाख, उस साल क्या हुआ है? एक 50,000 का कॉस्ट का मशीन बिक गया। तो देखो किधर क्या किया, बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट 50,000। तो मशीनरी अकाउंट में पूरा कॉस्ट कैंसिल कर देंगे जो एसेट बिक गया उसका, और बैलेंस सीडी बच गया 10 लाख, एसेट अकाउंट का झमेला खत्म। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर जिसका तुम लोग नाम जानते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें क्या किया? पहले लिखा बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में पहला साल का डेप्रिसिएशन। एसेट कब खरीदा? 1.5 लाख का खरीदा था 1 जनवरी 2000 को। 1.5 लाख का खरीदा था 1 जनवरी 2000 को, और उसी साल एक 50,000 का भी मशीन खरीदा 1 जुलाई को। तो 1 जनवरी वाला मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, और जो 50,000 का मशीन खरीदा 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना का डेप्रिसिएशन 10% होता है 5,000, और 6 महीने का हो गया 2,500। तो पहला मशीन का 15,000, दूसरे मशीन का 2,500, तो देखो बाई डेप्रिसिएशन 17,500 लिख दिया, उसी को 2 बैलेंस सीडी कर दिया डेबिट साइड में। फिर अगला साल 1 जनवरी को बाई बैलेंस बीडी 17,500, सेकेंड ईयर पूरा 2 लाख पे डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो पूरा 2 लाख पे 1.5 लाख प्लस 50,000, पूरा 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो 2 लाख का 10% सेकेंड ईयर में फुल ईयर के लिए, तो 20,000 डिप्रिसिएशन, तो बैलेंस सीडी हो गया 37,500। फिर उस बैलेंस सीडी 37,500 लिखा। अब ये एसेट बेचा कब? 1 जुलाई 2000 को बेचा, 1 जुलाई 2000 को बेचा, तो उस ईयर कितना दिन यूज किया एसेट को? 6 महीना यूज किया है। 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना होगा 50,000 के मशीन का? 2,500। तो एक तो 2,500 डिप्रिसिएशन है, और जो बैलेंस बच गया उस एसेट का डिप्रिसिएशन यानी 1.5 लाख का 15,000 पूरा, तो एक मिनट, ये लोग क्या किए, खाली 15,000 क्यों लिखा? नहीं, ये लोग गलती किए, यहाँ पूरा 2,500 लिखना था और फिर सेकंड मशीन का पूरा 15,000 लिखना था। अब जो मशीन बिक गया उसका डे वन से डिप्रिसिएशन कितना है? 50,000 का मशीन बिका है, पहला साल डिप्रिसिएशन था 2,500, दूसरा साल डिप्रिसिएशन 5,000 पूरा 7,500, तीसरा साल फिर डिप्रिसिएशन 2,500 यानी पूरा 10,000 का डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैंसिल हो गया, पूरा वो 2,500 एडजस्ट कर दिया, इधर भी 2,500 नहीं लिखा, इधर भी 2,500 कम लिख दिया। आप लोग वो मत करना, आप लोग बाई बैलेंस बीडी लिखना 37,500, 1 जुलाई को जो एसेट बिका उसका 6 महीने का डिप्रिसिएशन लिखना 2,500, 31 दिसंबर को जो मशीन बच गया उसका डिप्रिसिएशन लिखना 15,000, डेबिट साइड में उस एसेट का बिगिनिंग से एंड तक पूरा डिप्रिसिएशन, पहला साल 6 महीने यूज किए हैं तो 2,500 डिप्रिसिएशन,
दूसरा साल कितना दिन यूज किए उसको? 5,000 पूरा साल भर यूज किए, पूरा 5,000 डेप्रिसिएशन। तीसरा साल फिर 6 महीने यूज करके बेच दिया, मतलब 2,500 डेप्रिसिएशन, तो पूरा 10,000 कैंसिल करना, तो बैलेंस सीडी बच जाएगा 45,000। अब देखो यहाँ क्या किया, टू मशीन अकाउंट 50,000 पूरा लिखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो वो 7,500 और 2,500 अलग लिख दिया, आप लोग 10,000 एक साथ भी लिख देते। कितना में बेचा? 30,000 में। तो 50,000 का एसेट था जिसमें 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू कितना बचना चाहिए था बुक्स में? 40,000। उसको कितना में बेचे हो? 30,000 में, तो 10,000 का लॉस हुआ है। देखो बाई पीएल लिख के 10,000 लॉस मैच करती है, ये देखो नीचे वर्किंग बनाया भी है, 10,000 है आप लोग को। yes, sir. इस टाइप का सम्स आपके एग्जाम में आएगा। अभी 14 नंबर भी सेम है, वो आपका होमवर्क है। देखो इसमें वही 3 अकाउंट बनाए, वर्किंग भी बना के दिखाया पूरा आपको, इसके अलावा और एक है सम्स है इसमें। हाँ 16 भी सेम है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 16 में खाली आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है एक ही ले जाए बनाना, और ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोला, एसेट अकाउंट बनाने नहीं बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सेम डिट्टो सम है, देखो हर सम में वही हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एसेट उसका एक पार्ट बेच दे रहे हैं आगे जाके, और आपको बोल रहा है प्रोविजन वगैरह का अकाउंट बना के दिखाओ।